हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के ऊपरी इलाकों में जहां बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, तो वह शिमला के रिज मैदान पर हल्की बारिश के साथ बर्फ के फाहे गिर रहे हैं। शिमला के नारकंडा, खड़ा पत्थर समेत कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मनाली में भी हिमपात हो रहा है। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तीन खूबसूरत तस्वीरें। पहली तस्वीर शिमला से है, जहां पर आप देख सकते हैं बारिश यहां पर पड़ रही है। दरअसल बर्फबारी शिमला में ज्यादा नहीं है, बारिश पड़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आप दूसरी तस्वीर मनाली की देख सकते हैं, मनाली में भारी बर्फबारी हो रही है। तीसरी तस्वीर धर्मशाला से है, जहां पर बर्फबारी नहीं होती, लेकिन यहां पर ठंड इस कदर है कि लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगियां हैं वो भी अब प्रभावित होने लगी हैं। तो ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर शिमला, दूसरी तस्वीर मनाली, तीसरी तस्वीर धर्मशाला की है। शिमला का माल रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शिमला का माल रोड, लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये शिमला के माल रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पर्यटक खुशी से लबालब क्योंकि इस समय बर्फबारी हो रही है। ये धर्मशाला की तस्वीरें हैं, ये धर्मशाला की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ऊंची चोटियां बर्फ की चादर में लिपटी हुई, लेकिन धर्मशाला के निचले हिस्से में बर्फबारी नहीं हो रही है। भारी बारिश जरूर देखने को मिल रही है। ये मनाली की तस्वीरें हैं, ये मनाली का मॉल रोड आप देख रहे हैं, ये मनाली के मॉल रोड की तस्वीरें, भारी बर्फबारी और इसके साथ ही पर्यटकों में खुशी और जोश। बर्फबारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए हिमाचल में भारी बर्फबारी हो रही है। और ये तस्वीरें आप मनाली की देख रहे हैं, ये मनाली की तस्वीरें हैं, जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। पर्यटकों में किस तरह खुशी है वो देखिए, देखिए पर्यटक जो है वो बर्फबारी का आनंद लेने आते हैं, और पहाड़ों पर जिस तरह बर्फबारी हो रही है उससे पर्यटकों में खुशी का माहौल। तमाम जानकारी के साथ अनुराग शर्मा मेरे साथ सोलन से जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। अनुराग, क्योंकि सोलन में तो बर्फबारी नहीं होती, लेकिन फिर भी पर्यटकों का क्या कुछ कहना, पर्यटक कितने खुश नजर आ रहे हैं। वक्त जो है हमारे सोलन में भी बर्फ जो है वो गिर रही है, और जबकि सोलन में बर्फबारी आमतौर पर नहीं दिखी जाती निकिता, हाँ। पर आज जो है वो सोलन में बर्फ गिर रही है, और मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा सोलन का मंजर आपको कि किस तरह से अभी जो अभी हालांकि बर्फ जमनी शुरू नहीं हुई है, परंतु बर्फ जो है वो लगातार जो है वो सोलन में गिर रही है। कम से कम एक से डेढ़ घंटा हो चुका है, धीरे धीरे जो है वो जमनी शुरू हो चुकी है। और अगर आप देखें कि अभी भी गाड़ियों को अगर आप नजारा देखेंगे तो देखिए किस तरह से जो ऑटोज हैं उनमें बर्फ जो है वो जमी हुई है, गाड़ियों में बर्फ जमी हुई है, और मैदान जो है पूरा खाली जो है, लोग यहाँ पर बिल्कुल भी रोड पर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि गाड़ियों में हैं, कुछ एक जो लोग निकल रहे हैं जिनकी मजबूरी है वो लोग ही सिर्फ निकल रहे हैं, हाँ, क्योंकि शीतलहर अगर आप मेरे साथ भी इस वक्त तक देख रहे होंगे, इतनी तेज हवा के जो झोंके हैं वो छतरी तक को हिला दे रहे हैं। हालांकि मैं एक शेड के नीचे खड़ा हूँ, फिर भी उसके बावजूद भी ये देखने को लग रहा है कि इतनी हवा और इतना तेज बर्फ का बहाव जो है वो इस वक्त चल रहा है। लगता है कि सोलन में आज रात को काफी भारी बर्फबारी होने वाली है, जिसके चलते मौसम जो है खुशनुमा जरूर है। पर्यटकों में अगर हम बात करें, पर्यटकों में भी बहुत खुशी का माहौल है, तो इसलिए जो है अभी फिलहाल मौसम का रुख देखकर ये लग रहा है कि आम किसान और बागवानों को इस बर्फबारी और बारिश की वजह से काफी फायदा होने वाला है। जी निकिता, बिल्कुल, न सिर्फ बागवानों को बल्कि अभी स्थानीय लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि पहली बार सोलन में बर्फबारी हो रही है। सोलन में बर्फबारी नहीं होती, और ये अच्छी खबर न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी है, क्योंकि जो पर्यटक है वो ज्यादा आएंगे, राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगियां भी यहाँ पर जरूर प्रभावित हो रही होंगी। तो रोजमर्रा की जिंदगियां किस तरीके से प्रभावित यहाँ पर नजर आ रही है? देखिए निकिता, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए कोई भी आदमी जो है वो गाड़ी में के बिना जो है वो यहाँ पर नहीं निकल रहा है, पैदल कोई चलने वाला नहीं है। परंतु ये है कि लोगों में जिस हिसाब से हम लोगों की हमने बात की थी पहले, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि लोगों में बहुत ज्यादा खुशी है। किसान बागवानों से जब हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि अभी जो है वो मटर और उसके टमाटर की फसल आने वाली है, और दूसरे जो फसलें हैं उनके लिए जो बर्फ है ये बहुत अच्छी होने वाली है। हालांकि गेहूं के लिए थोड़ा सा ये समय थोड़ा खराब रहता है, परंतु
फिर भी जो है ये मौसम जो है बदलकर जो है आम आदमी को काफी फायदा देगा, क्योंकि पानी का जो लेवल है, जो वाटर टेबल है, वो भी बैलेंस होगा। कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारे को गर्मियों में वाटर की बड़ी समस्या रहती है, सोलन के इस नजदीक एरिया में, शिमला में पानी की बड़ी समस्या रहती है। तो इस वजह से इन बर्फबारी से और बारिश की वजह से जो है काफी फायदा जो है वो आम जनता को होने वाला है। जी निकिता, अनुराग देखिए आप किसानों की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि जितनी अच्छी बर्फ होती है उतनी अच्छी सेब की फसलें भी होती हैं। तो जो सेब के जो किसान हैं, जो लोग सिर्फ सेब ही उगाते हैं, उन लोगों में किस तरीके से खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा बर्फबारी होगी किसानों के चेहरे उतनी ही खिलके उठेंगे। बिल्कुल निकिता, ये समय बर्फ का जो है वो बागवानों के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह है, क्योंकि अगर बर्फ पड़ती है तो उससे जो किसान जो हैं और बागवान जो हैं वो बिल्कुल खुश होते हैं, क्योंकि उनकी फसल जो है वो बम्पर फसल के रूप में निकल कर आती है। जब भी हालांकि फरवरी में बर्फ नहीं पड़ती है, परंतु फिर भी इस वक्त जो फरवरी में जो बर्फ पड़ रही है ये एक किसानों के लिए वरदान की तरह जो है वो साबित हो रही है। जी फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम किए गए हैं? देखिए निकिता, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पुलिस हालांकि इस मौसम में भी जो है वो तैनात है, पुलिस अगर हम कर्मी को बात करें इस वक्त खड़े हैं और लोगों के लिए अभी व्यवस्था, क्योंकि यहां पर बर्फ अभी नहीं जमी है, परंतु पीडब्ल्यूडी और जितने भी जो इनके एक लगते हुए जितने डिपार्टमेंट्स हैं जो रोड को मेंटेन करने के लिए लगते हैं, उन लोगों को सतर्क कर दिया गया है और उन लोगों से ये बिल्कुल उनको ताकीद की गई है कि आप जो हैं पूरी तरह से चौकन्ने रहें, कि जैसे ही कभी, क्योंकि हिमाचल में जो ये मुख्य मार्ग जो है ये NH बन रहा है और इसमें 4 लेनिंग का काम चल रहा है, इसकी वजह से लैंडस्लाइड जो है वो काफी हो रही है उस जगह पर जहां पर लैंडस्लाइड हो। यहां पर बागवानों के चेहरे भी खिल उठे हैं और आपके साथ साथ हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सेब की फसल बहुत अच्छी हो, क्योंकि जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उम्मीद पूरी यही है कि सेब की फसल अच्छी होगी।